हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन बी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नए तरीके का मोदक जिसका नाम है चॉकलेट मोदक। चॉकलेट मोदक बनाने के लिए लो फ्लेम पर पैन रखेंगे और एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। अब हम पैन में डालेंगे आधा कप दूध और एक चौथाई कप चीनी। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब चीनी घुल जाए तो हम एक कप मिल्क पाउडर को थोड़ा थोड़ा कर चलाते हुए इसमें डालेंगे। एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो इनकी गुठलियाँ बन जाएगी। अब हम इसे चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे लगातार चलाते रहे और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम डालेंगे दो बड़े चम्मच कोकोआ पाउडर और इसे भी चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसे गाढ़ा होने तक चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम लो ही रखना है। इसको 10 से 12 मिनट लगेंगे गाढ़ा होने में। देखिए, अब मिक्सचर गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घी डालने से जो मिक्सचर पैन में चिपक रहे थे वह अब नहीं चिपक रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। अब ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम मिक्सचर को प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए वेनिला एसेंस यूज़ कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप बगैर एसेंस के भी बना सकते हैं। अब हम मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब मैंने लिया है इस तरह का मोल्ड मोदक शेप देने के लिए। मैं इसे ग्रीस कर लूँगी घी से। इसे मैंने ग्रीस कर लिया है। मोदक के सभी मोल्ड में मैंने कटे हुए पिस्ता को डाल दिया है। इससे मोदक का लुक बहुत अच्छा आएगा। अब मैं मिक्सचर को सभी मोल्ड में भर दूंगी और बीच में थोड़ा स्पेस रखूंगी, वहाँ हम स्टफिंग करेंगे। दोनों साइड मैं मिक्सचर को भर के ले रही हूँ। बीच में थोड़ा स्पेस आपको छोड़ना है। आप स्टफिंग के बिना भी बना सकते हैं। देखिए, मैंने इस तरह का स्पेस इसमें छोड़ा है। अब मैं डालूंगी इसमें कटा हुआ काजू। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद का भर सकते हो। अब हम इसे मिक्सचर से कवर कर देंगे और अब हम इसे धीरे से ओपन कर लेते हैं। धीरे से हम मोदक को मोल्ड से निकाल लेंगे। देखिए, रेडी है हमारा चॉकलेट मोदक। इसी तरह बाकी के मोदक भी बनाकर हम ले लेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।